गाइज वेलकम बैक टू आर न्यू ब्लॉग। सो दिस इज गोइंग टू बी आर फर्स्ट एक्सपीरियंस ऑफ स्कूबा डाइविंग एंड हेयर आई एम। तो गाइज हमने बोट डाइव चूज़ किया, इसके लिए हमें शैलो वाटर में 10-15 मिनट्स ट्रेनिंग दी गई। उसके बाद हमें बोट से डाइविंग साइट में लाया गया और फिर बोट से रोल बैक करवा के और हम यहाँ हैं। और उसके बाद जो हमें देखने को मिला ना नज़ारा, वह तो बिल्कुल अद्भुत, अनोखा और अमेजिंग। यहाँ की खूबसूरती देखकर तो सब कुछ भूल जाने का मन कर रहा है। इतनी वैरायटी और डाइवर्सिटी देखकर ना दिल खुश हो गया। जो कभी मैंने सोचा था कि मैं स्कूबा डाइविंग करूँगी और आज जब मैं वो कर रही हूँ तो मैं बता नहीं सकती हाउ हैप्पी आई एम। जैसे जैसे आप पानी में नीचे आते जाते हैं तो आपके कान में पेन हो सकता है, तो उसके लिए आपको प्रेशर इक्वलाइज करना पड़ता है और उसके बाद फील कम्फर्टेबल। और प्रेशर इक्वलाइज करने की टेक्निक जब आपको ट्रेनिंग दी जाती है 10-15 मिनट स्टार्टिंग में, तब बताया जाता है। पानी के अंदर ना एक अलग ही दुनिया है जो बहुत ही अमेजिंग, सरप्राइजिंग और स्टनिंग है, आप बिलीव नहीं कर सकते। एंड वी आर एक्सपीरियंसिंग दैट थिंग राइट नाउ। आई कांट एक्सप्लेन हाउ हैप्पी आई एम। यू विल फील काइंड ऑफ पीस हियर, क्योंकि दूर दूर तक यहाँ पे कोई नहीं है, आप और पानी, बस दूर दूर तक मछलियाँ, आप और पानी। बहुत डिफरेंट तरीके के हमें कोरल्स यहाँ पे देखने को मिले, इतने कलरफुल और इतने डिफरेंट। मन करता है सभी मछलियों को गले लगा ले, लेकिन वो आपके हाथ नहीं आने वाली। मेरे कान में प्रेशर बनने लगा, तो आई एम इक्वलाइजिंग प्रेशर दिस टाइम। Wow, look at the Nemos, these are looking so cute. Look at the colorful corals, isn't it so amazing? This is best experience of my life that I never experienced before. Experience for lifetime. Really, बहुत मज़े आए। So that's all for this vlog and stay tuned for new vlog. Thanks for watching.